पर्यटन नगरी मकलोटगंज के भागसू नाग में धूप नाले पर अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम एक्शन में आ गई है। नगर निगम ने भागसू नाग के बाद मकलोटगंज में भी अतिक्रमण पर शिकंजा कसने का मन बना लिया है। 12 जुलाई को धूप नाले से पानी डाइवर्ट होकर भागसू नाग की पार्किंग में आ गया था, जिसमें पर्यटकों की गाड़ियां बह गई थी। इसका वीडियो भी वायरल होने के उपरांत नगर निगम प्रशासन ने भी हरकत में आते हुए नाले पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में कहा गया है कि 3 दिन में अतिक्रमण हटाए, अन्यथा नगर निगम स्वयं हटाएगी। हालांकि नोटिस मिलने पर कुछ अतिक्रमणकारियों ने स्वयं अतिक्रमण हटाना शुरू भी कर दिया है, लेकिन कुछ ने इसे अनदेखा किया है, जिन पर अब नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम प्रशासन की माने तो नाला ऊपर की ओर तो खुला है, लेकिन निचली तरफ अतिक्रमण के चलते नाला संकरा हो जाता है, जिसकी वजह से 12 जुलाई को पानी डाइवर्ट हो गया था और काफी नुकसान हुआ था। गौरतलब है कि 12 जुलाई को धूप नाले में भारी बारिश के बाद आए पानी के तेज बहाव कंक्रीट तथा अतिक्रमण के चलते सैकड़ों को बहाने लगा था। इससे भागसू नाग पार्किंग में खड़ी वाहन भी चपेट में आकर बहने लगे थे। भागसू में इस तबाही के बाद नगर निगम ने नाले पर अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया था तथा 3 दिन के भीतर इसे हटाने का समय भी दिया था। नगर निगम धर्मशाला के कमिश्नर प्रदीप ठाकुर ने कहा कि भागसू नाग के नाले में किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। 17 के लगभग लोगों को नोटिस भी जारी किए गए हैं, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। इसके उपरांत मकलोडगंज में 5 और 6 नोटिस जारी किए गए हैं, उन पर भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी नगर निगम की प्राथमिकता नाले पर किए गए अतिक्रमण को हटाना है, जिस पर काम जारी है। जुलाई 11 और 12 की जो इंटरवीनिंग नाइट थी, बहुत हैवी रेन उस एरिया में धर्मशाला में हुआ था, तो उस नाले में उतनी जितनी कैपेसिटी उसकी 4 या 5 मीटर चौड़ा और गहरा नाला है वो, तो वहाँ पे उसकी कैपेसिटी के हिसाब से वो पानी बहुत ज़्यादा था और वो उसकी ब्लॉकेज की वजह से वो पानी उस गली में जो सड़क के ऊपर आ गया और उससे बहुत बड़ी तबाही हुई, जैसे आप सब लोग जानते हैं। उसके बाद नगर निगम ने इमीडिएटली जो फौरी तौर पे हमारे पास जो प्रोविज़न होते हैं, एक हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट का धारा 198 है, उसके अंतर्गत जो भी उन नाला के ऊपर लोग थे, जो हमने उनको आइडेंटिफाई करा जहाँ जहाँ पे वो पूरी तरह से उसको बंद कर दिया था, उन स्ट्रक्चर को हटाने के लिए उनको 3 दिन का टाइम देके नोटिस दिया कि वो अपने खर्चे पे उसको वहाँ से इमीडिएट रिमूव करे। और हम लोगों ने भी अपनी मशीनरी लगा के ताकि वो नाले से हम नाले को अप्रोच कर सके, जो नेचुरल ड्रेन था, और वहाँ से वो सारा जो मक निकाल सके। तो कुछ लोगों ने जिनको नोटिस किया था अपने लेवल पर भी तोड़ के दिया, और बाकी लोगों का फिर हमने अभियान चला के अपनी मशीनरी लगा के वो सारा उनको, पहले तो उनको जो ऊपर जो स्लैब बने थे उनको पंक्चर करा, फिर वहाँ पे JCB की बकेट से वो सारा जितना भी मग पड़ा था, जितने बोल्डर या जो चीज़ सामान उनको डिपॉजिट हो गया था ओवर द ईयर्स, वो निकाला ताकि वो अपने नेचुरल ड्रेन से वो ऊपर से जो नाला इतना बह के आ रहा है उसमें पानी आ सके। रेगुलरली जो ये मैं कह रहा था कि हमने जो ये ड्रेन है एनक्रोचमेंट से कराने, इनके लिए तो अभी भागसू ना के ही जो हमारे 17 ये लोग थे इमीडिएटली जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डाइवर्जन हुई थी और नीचे तक जो नाला आता है जो भी कंस्ट्रक्शन थी वो थे। उसके बाद कुछ 5 या 6 नोटिस इस तरह के और है जो मकलोडगंज एरिया के भी दे रखे हमने, जो उसके ऊपर भी कार्यवाही हम तुरंत अभी इसके बाद करेंगे। जहाँ तक दूसरे जगह के हैं, इस तरह के नोटिस तो नहीं है, उस तरह से बिल्डिंग कोड की वायलेशन या जो बिल्डिंग का अप्रूव मैप था उससे अगेंस्ट उन्होंने उसको वायलेट करके कुछ कंस्ट्रक्शन करी है, या कुछ बहुत सारी जगह पे ऐसे है जो बिना बिल्डिंग का प्लानिंग परमिशन लेके भी लोगों ने बिल्डिंग रेज कर ली है, तो उस तरह की वो कार्रवाई जो होती है कि उनको एक नोटिस दे के उनसे फिर उनके शो कॉज जाता है, उनसे रिप्लाई ली जाती है, फिर उसमें कई लोगों को उसमें प्रोविजन है कि वो नेक्स्ट कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी उसका अपील का कुछ प्रावधान में अपील का है, तो ये डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। पर हमारे लिए आज सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि जो लोगों ने जो ये ड्रेन है जो नाला है उनके ऊपर जो लोगों ने ब्रिज डाल के और रातों रात ही ऊपर से उसको नैरो कर दिया है, जो उसका मुहाना है, मतलब जो लोग जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है वो नाला बड़ा है, आगे आके जो लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन करके उनको अप्रोच करके उसका जो नाला का जो आकार है उसको संकरा कर दिया है, उसकी वजह से वो बहुत बड़ा डेंजर क्रिएट कर दिया है उसने, वो बहुत बड़ा एक हैवॉक क्रिएट कर सकता है, तो उसके लिए उनको जो भी प्रोसीजर है, जो लीगल प्रोसीजर है, रूल बने हैं, उनके अकॉर्डिंगली हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे।